हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नाम तो आप जानते हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? अगर आप हमारी वीडियोस को चेकआउट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारा तो काम है एक्सप्लोर करना, तभी हमारे चैनल का नाम है हाउस एक्सप्लोरर्स, क्योंकि हम आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों बजट वाइज में जो चीज़ें आ रही हों, स्पेशियस हो, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते रहते हैं। अगर आपका बजट कम है, आप देख रहे हैं 2 BHK बिल्डर फ्लैट, उसमें लिफ्ट भी चाहिए आपको, पार्किंग भी चाहिए, फ्रंट फेसिंग भी देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आने वाली है। जी दोस्तों, आज हम जिसे चेक करेंगे ये होने वाला है 2 BHK बिल्डर फ्लैट। साइज़ हो जाता है कहीं ना कहीं 950 स्क्वायर फिट, 2 बेडरूम्स 2 वॉशरूम्स आने वाले हैं, फ्रंट फेसिंग बालकनी देखने को मिलेगा, लोकेलिटी हो जाती है शक्तिखंड इंदिरापुरम। जैसे कि हमने USPs में बात करी, लिफ्ट आने वाला है आपको, पार्किंग का तो आपने वीडियो जो है आपने उसके स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, जो हमने सिनेमेटिक शॉट्स डाले हुए थे। चलिए आपको सर लिफ्ट चेकआउट कराता हूँ, आइए दोस्तों। ये हो जाता है, देखिए आपका स्टेयर्स एरिया, यहाँ आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाते हैं, बिग साइज स्टेयर्स होने वाला है। यहाँ पे आपका डेडिकेटेड लिफ्ट आने वाला है, चेकआउट कर सकते हैं। लिफ्ट यहाँ इंस्टॉल्ड है, वो डे टू डे लाइफ में कम्यूट करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, घर में बुजुर्ग हैं तो आराम से आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, अप डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये हो जाता है हमारा एंट्री डोर, चलिए यहीं से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखें एंट्री डोर होने वाला है, अच्छे क्वालिटी में बनाया गया है, हाइट आ रही है इसकी अच्छी, ऊपर देखेंगे तो विंडो आपका लगा हुआ है, सारी फिटिंग्स अच्छी देखने को मिलती हैं, ब्रास फिनिश में आपको उसके डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कि 2 बेडरूम्स आ रहे हैं, एक आपका फ्रंट में आता है, एक आपका यहां देखने को मिल जाता है। ये आपका पहले बात करेंगे लिविंग रूम होने वाला है, देख सकते हैं ये लिविंग रूम का आपको साइज़ मिलने वाला है। जितने भी साइजेस हैं दोस्तों हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं, आप एक बार उसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको कुछ ये साइज़ देखने को मिलेगा। आपका सोफ़ा सेट आराम से आप यहाँ एल शेप में यहाँ पे आप लगाएं, ये आपको यूजेबल एरिया मिलता रहेगा। अगर आप यहाँ से बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखिए किचन देखने को मिल जाता है, ये हो जाएगा आपका किचन, और यहाँ से आपको बेडरूम और एक कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है। अगर मैं लिविंग एरिया में बात करूँ दोस्तों, जो हमें टाइल्स देखने को मिलते हैं, ये देखिए विट्रीफाइड टाइल्स होने वाले हैं, ग्रेइश शेड में है, हमने इसमें 3-4 अलग अलग आपके लेआउट में बने हुए हैं, तो हमने 3 BHK बैक साइड का भी शूट किया था, होपफुली आपने वो वीडियो चेकआउट किया हो, वो भी आपका काफ़ी बजट में आ रहा था, ये भी आपका बजट में आने वाला है। नंबर हमने डिस्प्ले किया हुआ है, नंबर पर कॉल करें इसके प्राइसिंग के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि हम फिर से किए, देखिए ग्रे शेड में होने वाला है, सब विट्रीफाइड टाइल्स होने वाले हैं, ऊपर देखें आपके फॉल सीलिंग का काम अच्छा है, आपका एक फैन आ जाता है, प्रीमियम आपको शैंडेलियर देखने को मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड में किचन देखने को मिलता है। उससे पहले हम दोस्तों इस बेडरूम को चेकआउट कर लेते हैं, आइए दोस्तों। ये हो जाता है हमारा पहला बेडरूम, अभी वॉल पे काम चल रहा है, इस पे वॉलपेपर सारी चीज़ें लगनी हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेड ये जो है आपका वार्डरोब बना हुआ है, ब्राउन और वाइट में वर्क है, अच्छा दिख रहा है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दिया गया है, तो पीछे आ रहा है तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हवा अच्छी मिलती ही रहेगी। जो इसका जो साइज़ है ये भी हमने मेंशन कर दिया है वीडियो में, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चेक कर लेते हैं रिमेनिंग एरियाज़ को। अगर हम बात करें जैसे कि हम फिर से लिविंग रूम में है, ये देखिए थोड़ा सा ये सेक्शन आपको बना के दिया गया है, ये सेपरेट करता है और ये आपका एज ए TV पैनल की तरह वर्क करता है। सोफा सेट आपका ऐसे एल शेप में यहाँ पर प्लेस रहेगा, ये आपका LED पैनल हो जाता है, ब्राउन और वाइट में काफ़ी एलिगेंट लगता है, नीचे भी डेडिकेटेड सेक्शंस हैं। इसके बैक में दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिलता है, देखिए स्पेशियस किचन। वैसे नॉर्मली 2 BHK में ना किचन के साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट कर दिए जाते हैं, तो बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, इसका साइज़ अच्छा आ रहा है। डिश वॉश के लिए यहाँ सेपरेट आपको ये आपको एरिया देखने को मिल जाता है, तो आपकी मेड यहाँ वर्क कर रही है, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस इधर नहीं होगी। फॉसेट्स जो हैं अच्छे लगाए गए हैं, बाय हैंडवेयर आने वाले हैं। अगर हम बात करें किचन में, तो देखिए यहाँ पर आपको ये विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, अगर आप यहाँ चिमनी लगाते हैं तो आप यहीं से इसके एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन आप कर सकते हैं। एल शेप आपका स्लैब आने वाला है, सब मॉड्यूलर वर्क होने वाला है, कितना भी ये देखने सब PO फिनिश के साथ में आएगा, अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर हम ये सब चेक करें तो ये देखें, देख सकते हैं सब आपका सॉफ्ट क्लोजर के साथ में ये आने वाला है। कुछ इसमें जो सेक्शंस हैं दोस्तों, ये ग्लास मेड है, कुछ आपके ये आपके देख सकते हैं वुड में आ रहे हैं, ये देख सकते हैं सब सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक में आ रहा है, ये चीज़ एलिगेंट लगता है, अच्छा लगता है, देखें ये भी आ रहा है आपका हाइड्रोलिक में।
और नीचे अगर आप इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ चिमनी लगाएं, यहाँ कुकटॉप आपका प्लेस हो जाएगा, आराम से अच्छा फूड बनाएं, फैमिली के साथ में एंजॉय करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें रह गई है दोस्तों, देखिए ये अगर आप देखें ना तो ये मेन वॉल होने वाली है आपकी, बैक ऑफ दी आप सोफ़ा कह सकते हैं इसे, आप एल शेप में करेंगे तो आधा सोफ़ा तो आपका इधर आएगा, तो आपको कुछ इस तरीके की वॉल देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर आप ये देखें तो स्प्लिट एसी के लिए आपको पहले से ही सारा का सारा वायर वर्क दिया गया है, तो आपको अलग से कोई दिक्कत होगी नहीं। चले आएँ आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आपको फॉयर एरिया देखने को मिल जाता है, और यहाँ से लेफ्ट साइड में दोस्तों हमें कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। टाइल्स देखें दोस्तों तो ये ऑफ वाइट क्रीमी स्टोन में होने वाले हैं, सब आपको हैंडवेयर की फिटिंग देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं आपको ये शावर मिल रहा है, यहाँ पर हैंगिंग शावर आ रहा है, ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा वॉश बेसिन हो गया, और सब जितने भी आपके सैनिटरी फिटिंग्स हैं सब हैंडवेयर होने वाले हैं। नीचे के जो आपके फ्लोर उसका जो टाइल्स हैं, फ्लोरिंग है इसकी, ये भी आपके सेम पैटर्न में कंटिन्यू किया गया, रनिंग टाइल्स आ जाती हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है जी, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। अगर हम इसमें देखिए वॉल पर देखिए, जैसे अभी हमने इस पे अब चेक कराया था उसमें काम चल रहा है, तो कुछ इस तरीके का काम आया है। देखिए प्रीमियम लगता है ये जो वॉलपेपर लगाया है, प्रीमियम होने वाला है, साइज का अच्छा आने वाला है, तो आप आराम से अपना बेड जो है प्लेस कर लेंगे इसमें। और खासियत क्या है दोस्तों, देखिए इसमें आपका जो है ये आपका ड्रेसिंग के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे आपका मिरर प्लेस होगा, यहाँ पर आपके ये सेक्शन दिए गए हैं। थ्री डोर वार्डरोब दोस्तों इसमें आपको मिलेगा इस वाले बेडरूम में, सब HDMR क्वालिटी वुड पर बना हुआ है, नीचे के टाइल्स भी एलिगेंट लग रहे हैं, ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका अटैच वॉशरूम। आइए ये देखें, सब हैंडवेयर की फिटिंग्स के साथ में आने वाला है। टाइल्स के जो कलर हैं यहाँ पर ग्रे स्टोन में है, प्रीमियम लगता है, साइज वही सेम होने वाला है जो हमने अभी चेकआउट किया था वॉशरूम का। फिटिंग सारी की सारी आपको हैंडवेयर की देखने को मिलेगी। जितने भी अगर हम बात करें डोर्स में, अगर आप छोड़ देते हैं अपने मेन डोर को, तो जितने भी और डोर्स हैं पूरे घर में सेम पैटर्न में आपको लॉक हैंडल्स देखने को मिलते हैं। डोर हैंडल्स जो आ रहे हैं, लॉक्स आ रहे हैं, सब सेम पैटर्न में हैं। फिटिंग जितने भी लगाई गई हैं सब मॉड्यूलर फिटिंग्स होने वाली है बाय L&T, तो ध्यान रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के अगर हम यहाँ देखें, इससे पहले यहाँ विंडो देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए। चलिए बाहर बालकनी की तरफ चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका बालकनी एरिया, ये चेकआउट कर सकते हैं आप, ये आपको बालकनी मिलेगी, ये साइज आने वाला है आपका। टाइल्स जो है उनको कंटिन्यू किया गया है आगे तक, जो बेडरूम्स में आ रहे थे सेम कलर के टाइल्स हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ग्लास के साथ में रेलिंग आ रही है, एलिगेंट लग रहा है। बच्चे भी हैं तो हाइट अच्छा दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। सामने देख सकते हैं दोस्तों आपको ग्रीनरी अच्छी मिल रही है, अच्छी लोकेलिटी में होने वाला है ये। हो सकता है आपको थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा होगा बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि नीचे रनिंग रोड देखने को मिलती है हमें, नीचे स्टिल पार्किंग आ रही है, नीचे प्रॉपर और जगह भी दी गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा एक बार ये वाला एरिया दिखा दें कि अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो नीचे देखिए प्रॉपर जगह मिलती है आपको पार्किंग के लिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट शक्तिखंड इंद्रापुरम में 2BHK। अगर प्राइसिंग जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लिमिटेड इसमें अभी यूनिट्स बचे हुए हैं, वैल्यू फॉर मनी है, सही रेट पर आपको मिल जाएगा इससे पहले कि सोल्ड आउट हो जाए। नंबर पर कॉल कर लें आप ताकि आपको डील मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।